जेरेडी में ग्रामीण व पुलिस के बीच झड़प, दर्जनों लोग घायल, 14 लोग हिरासत में भेजा गया जेल। बिजनी प्रखंड अंतर्गत जेरेडी में गुरुवार देर रात लगभग 9:30 ग्रामीण व पुलिस के बीच झड़प हो गई, इसमें दर्जनों लोग घायल हो गए। झड़प के बाद पुलिस ने 13 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया तथा शुक्रवार सुबह सभी को नामजद कर जेल भेज दिया। क्या मामला? पुलिस की माने तो पुलिस अवैध शराब विक्रेता छोटन राम के घर छापेमारी की, जिसमें 2 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की और विक्रेता छोटन राम को गिरफ्तार कर थाना ले गई और छोटन राम से पूछताछ करने लगी, जिसमें छोटन राम ने कहा बाकी शराब मेरे भैया के मकान में है। और पुनः पुलिस छापेमारी करने जेरेडी पहुंची। वहीं ग्रामीण ने कहा इसकी सूचना मुखिया व ग्रामीणों को मिली और ग्रामीण दुर्गा मंडप सब मुखिया के आवास पर चर्चा कर रहे थे, तभी पुलिस पुनः छोटन राम के आवास पर पहुंची और शराब किस घर में है पूछताछ कर महिलाओं के साथ मारपीट करने लगी। तभी महिलाओं के हो हल्ला होने से ग्रामीण इकट्ठा हो गए और मुखिया के आवास पर पुलिस ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करने लगी। और इसी बीच पुलिस व ग्रामीणों से झड़प हो गई और ग्रामीणों को भी पीटा, जिसमें मुखिया व मुखिया की पत्नी, अन्य महिलाओं व बच्चों भी घायल हो गए। तभी ग्रामीण पथराव करने लगे, जिसे नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की तथा मुखिया समेत 13 लोगों को हिरासत में लेकर थाना ले गई। वहीं पुलिस का कहना है कि महिलाएं और ग्रामीणों ने पुलिस के साथ छापेमारी के दौरान पथराव व फायरिंग करने लगी तथा पुलिस के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। छापेमारी के दौरान बिजनी, सरिया, परसन, ओपी, राजधनवार, निमिया घाट की काफी संख्या में पुलिस व बगोदार, सरिया, खोरी, महुआ, डुमरी DSP भी शामिल थे। मुखिया जी कहूँ कि नहीं, मुखिया जी को देंगे आप लोग को, महरूस पड़ा हुआ है अंदर, आप लोग मारे हैं, नहीं गाली गलौज करने लगी, इधर से धक्का उधर से मुक्का, इधर से धक्का मुक्का, जब तो मन पारे तब तो हम ठाटे कैमरा में वो लोग हमको हटाए रहते हैं, हम छोटू अपा करके दीदे तो ये कैमरा तोड़ दिए, इसके बाद उसको घरे हम वो अभी तोड़ दिए, इसके बाद मुखिया जी को निकाल के किसी रख के ले जाए। आपको भी, आपके साथ भी मारपीट किया है? उतार जैसे हटाए ना वो लोग हमको, थोड़ा पकड़े थोड़े, इसके बाद हम गुहार करे निकले, बचा लो हम लोग चिल्लाए तो उछल उछल के मारने आते हैं वो लोग हमको जो चिल्लाते हैं। इसके बाद जब हम बाहर निकल गए मुखिया जी को ले जा रहे थे सब, तो 4-5 को मेरा घर घुसा, अलमारी तोड़ा, मोबाइल तोड़ा, सब नहीं है मेरा घर। क्या क्या लेके गए आप? मोबाइल नहीं है, बिछड़ा कोई कागज टागज था उसे नहीं देख रहे, कुछ पैसा कोई था उधर वो नहीं है। कितना पैसा ले गया? तो अंदाज नहीं है बाबू, हमको रखे थे उन्होंने पैसा। अच्छा, बाबू शराब लिया बोला, और कहाँ रखे हैं कि अपना घर में रखे हैं 3 पेटी, उसको गाड़ी में बिठा लिया, उसके बाद उसका घर गया, उसका घर में उसका माँ भाई लोग थे, तो वही सब उस पुलिस के साथ हाथापाई किया, तो उस समय पुलिस चल गई। उसके बाद फिर दोबारा जब पुलिस आए तो यहाँ जैसे आदमी तो हमेशा रहते हैं, तो पुलिस जब आई और कुछ देखना सुनना कहना नहीं, सबको दौड़ा दौड़ा के मारने लगा। मारने लगा, मेरा हस्बैंड यहाँ ही बिजली पोल के पास थे, आ रहे थे घर, यहाँ से इनको ले जाने लगा। तो हम गए दौड़ते हुए कि कुछ नहीं किए, क्यों ले गए इनको, क्यों ले गए, तो इसी तरह घिसटते हुए वहाँ तक ले गए, वो लोहा का अथी पाइप गड़ा हुआ वहाँ तक ले गए। तो मेरा बेटी लोग भी गई, तो फिर उन लोग के साथ मतलब लाठी उठी भी मारने लगा, हमको भी मारा, मेरा बेटी लोग को भी मारा, एक लड़की का हाथ तोड़ दिया है। अच्छा, हाथ टूट गया। हाँ। बच्ची कहाँ है? बच्ची अभी गिर गई। अच्छा, कितने लोग घायल हैं? करीब 15-20 लोग। हाँ, 15-20 घायल महिला, करीब महिला लड़की लोग लेके 10-12 लोग। अच्छा। 10-12 केवल महिला और लड़की, तो छोड़ दिया पुलिस, छोड़ दिया। उसके बाद जब 12 बजे रात पुलिस आई तो देखिए दरवाज़ा सब मतलब दोनों तोड़ दिया, और फिर हम लोग वहाँ पीछे रूम में थे सबको, तो वहाँ मतलब 3 दरवाज़ा तोड़ के, चौथा दरवाज़ा तोड़ के घुस के और ले गया हम लोग को यहाँ तक लाया। और जब मेरा बेटी लोग विरोध करने लगी, तो तुम लोग पढ़ रही ना, तुम लोग को करियर ख़राब कर देंगे, जाती है कि नहीं घर,
बाकी क्यों जाएंगे सर, जब मेरा मम्मी पापा लोग को ले जाइएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? क्या बोला, करियर खराब कर देंगे? हाँ, कि तुम लोग पढ़ रही है ना, किस लिए पढ़ रही, नौकरी के लिए ना? हम भी नौकरी करते हैं, तुम लोग को जाती है कि नहीं जाती? देखते ही झापड़ मारेंगे, तुम लोग का करियर खराब कर देंगे। तो हम लोग यहीं रुक गए और फ्रेंड्स लोग को बैठा लिया, यहाँ से बैठाना, इन लोग को बैठाना होगा। वहाँ मुखिया जी का घर गया, वहाँ पूरा एकदम थोड़ा ताला तो नहीं टूटा ग्रिल, तो सेना से चढ़ा छत, छत से जाकर जितना दरवाजा उनका था सब तोड़ दिया। जो थे वो करीब आधा घंटा उनसे बहस किए, नहीं मतलब अथी करने, तो उनके साथ भी मतलब मारपीट किए मुखिया जी परिवार के साथ, उनका हो गया। उसके बाद वो बगल घर में तीन बाप बेटा बेचारा कलकत्ता में रहता है, उनका दोनों बेटा कुछ नहीं जानता है, उन लोग तीनों बाप बेटा ले गया। कोई महिला पुलिस आई थी यहाँ? नहीं, महिला पुलिस नहीं थी, जेंट्स लोग ही मारा है। देखिएगा ना, चार दरवाजा तोड़ दिया, वहाँ मेरा तो ताला लगा था, ताला तोड़ दिया।